क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सटेंशन ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स प्लस बी एक्स होल पावर एट। एक्सरसाइज 7.2 में ये हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है। तो देखिए यहाँ पे हियर ए इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय एक्स, बी इज इक्वल टू बी एक्स और ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, अगर हम इसके को कंपेयर करें ए प्लस बी ऑल पावर एन के साथ, तो देखिए यहाँ पे ए की जगह क्वेश्चन में है ए डिवाइड बाय एक्स, बी की जगह हमारे पास है बी एक्स प्लस की जगह प्लस और एन की जगह हमारे पास है एट। तो क्या जाएगा, अभी देखिए यहाँ पे एन इज इक्वल टू एट सिंस एन इज इक्वल टू एट, सो नंबर ऑफ टर्म्स, सो नंबर ऑफ टर्म्स एंड दिस एक्सपेंशन एंड दिस एक्सपेंशन will be इसमें कितने नंबर आएंगे टर्म, ए प्लस वन इसी तरह आएगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस वन इज नाइन, इसमें नाइन टर्म आएंगे। अब देखिए नाइन हमारे पास इवन है कि ऑड, नाइन हमारे पास है ऑड सिंस नाइन इज ऑड नंबर, ऑड नंबर सो देयर विल बी ओनली वन मेडल टर्म, सो देयर विल बी ओनली मेडल टर्म, मिडल टर्म इन दिस केस, मिडल टर्म इन दिस केस विल बी एन प्लस टू डिवाइड बाय टू, एन प्लस टू डिवाइड बाय टू, ये हमारे पास मिडल टर्म होगा। देखिए आप एन की जगह वैल्यू पुट करें एन की जगह, तो ये आ जाएगा एट प्लस टू डिवाइड बाय टू। ठीक है, तो आ जाएगा एट प्लस टू इज टेन डिवाइड बाय टू, तो क्या आ जाएगा टेन को टू की डिवाइड कर तो आ जाएगा फिफ्थ टर्म, क्या आ जाएगा फिफ्थ टर्म, तो ये आ जाएगा हमारे पास मिडल टर्म विल बी द फिफ्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। नाउ जनरल टर्म इज टी आर प्लस वन इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन फ्रॉम एन टू आर ए पावर एन माइनस आर एन टू बी पावर आर, पुट वैल्यू ऑफ ए बी एन, तो क्या जाएगा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन फ्रॉम एन एन की जगह एट आर अपनी जगह पे ए की जगह लिख के ए डिवाइड बाय एक्स एन माइनस आर, सो एट माइनस आर बी की जगह लिख के
तो देखिए यहाँ पे आर प्लस वन, इससे हमने फाइव लाना है। क्या लाना है? फाइव। तो आर की जगह लिख के पुट, आर की जगह फोर। अगर हम आर की जगह फोर पुट करें तो फोर प्लस वन इज इक्वल टू, इससे हमारे पास आ जाएगा फाइव। तो क्या जाएगा? थ्री फोर प्लस वन इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन फ्रॉम एट टू फोर, एट डिवाइड बाई एक्स, एट माइनस फोर बी एक्स होल पावर फोर। तो क्या आ जाएगा? फोर प्लस वन इज फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन फ्रॉम एट टू फोर, a डिवाइड बाई एक्स होल पावर फोर, और यहाँ पे आ जाएगा b का अलग फोर ले, और यहाँ पे x का अलग फोर। कॉम्बिनेशन फ्रॉम a टू फोर, देखिए एक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाय एक्स माइनस फोर फैक्टोरियल, एक्स टू फोर फैक्टोरियल, तो यह आ जाएगा एक्स सेवन सिक्स फाइव फोर फैक्टोरियल, और ये भी आ जाएगा फोर फैक्टोरियल, और इसे एक्सपेंड कर तो आ जाएगा फोर थ्री टू वन। तो ये इसके साथ कैंसिल, फोर टू जाएगा इसके साथ कैंसिल, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, थर्टी फाइव मल्टीप्लाई बाई टू एज सेवनटी, तो ये आ जाएगा सेवनटी ए फोर डिवाइड बाई एक्स फोर d4 into x4, तो ये x4 और ये x4 कैंसिल हो जाएगा, आप आ जाएगा 70 a4 b4 is equal to, ये हमारे पास फिफ्थ टर्म दिया गया, और ये हमारे पास आ गया मिडल टर्म। इज द रिक्वायर्ड ऑफ मिडल टर्म, इज द रिक्वायर्ड, इज द रिक्वायर्ड ऑफ मेडल सर। ठीक है, चले गए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट टू। इसको आप देख सकते हैं इसी तरह थ्री एक्स थ्री एक्स माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस, और ये माइनस आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू होल पावर नाइन। तो याद रखें ए की जगह हमारे पास है हियर, ए की जगह हमारे पास है थ्री एक्स, यहाँ पे मैंने लिखा है ए इज इक्वल टू थ्री एक्स, बी की जगह हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू, और एम की जगह हमारे पास है नाइन। Since n is equal to 9, which is odd number, so number of terms, number of terms and the extension, number of term and the extension will be, number of terms कितने होंगे? 9 plus 1 which is equal to 10, और 10 हमारे पास क्या है? 10 हमारे पास even number आ गया। अब number of term हमारे पास even number है, so there will be, since it is even, since it is even, so there are two middle terms. कितने middle terms आ गए? Two, which are n plus one n plus 1 divided by 2 and n plus
थ्री टू थ्री, ये हमारे पास फेवरेट टर्म आ गए एन प्लस वन डिवाइड बाय टू। अब इनकी वैल्यू पुट कर तो हमारे पास आ जाएगा पुट वैल्यू ऑफ एन, एन की जगह नाइन, सो नाइन प्लस वन डिवाइड बाय टू और यहाँ पे आ जाएगा नाइन प्लस थ्री, नाइन प्लस थ्री डिवाइड बाय टू। तो इससे आ जाएगा नाइन प्लस वन इज टेन डिवाइड बाय टू और यहाँ पे आ जाएगा नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व डिवाइड बाय टू। ठीक है, अब ये टेन टू पे डिवाइड कर तो आ जाएगा फिफ्थ नंबर टर्म और यहाँ पे आ जाएगा सिक्स टर्म। तो इसी केस में हमारे पास दो मिडल टर्म आएंगे, एक हमारे पास होगा फिफ्थ टर्म और एक हमारे पास होगा सिक्स टर्म। नाउ नाउ जनरल टर्म फॉर्मूला, नाउ जनरल टर्म फॉर्मूला हमारे पास है, जनरल टर्म फॉर्मूला हमारे पास है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन फ्रॉम एन टू आर ए पावर ए माइनस आर एन टू बी पावर आर। इसको हम कहते हैं आर प्लस वन टर्म। पुट वैल्यूज, पुट वैल्यूज इसमें ए बी और एन की वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पे टी आर प्लस वन इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन फ्रॉम एन, एन की जगह नाइन टू आर ए, ए की जगह लिखिए थ्री एक्स ऑल पावर नाइन माइनस आर बी पावर आर, बी की जगह लिखिए माइनस माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू ऑल पावर आर। अभी हमने आर आर की वैल्यू फाइंड करना है तो देखिए यहाँ पे फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म, तो यहाँ पे आर की जगह तो आर इज इक्वल टू फोर तो हमारे पास आ जाएगा फिफ्थ टर्म एंड सिक्स टर्म आर की जगह पुट करें फाइव, एक दफा आर की जगह फाइव और एक दफा आर की जगह फोर, तो क्या जाएगा टी फोर प्लस वन इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन फ्रॉम नाइन टू फोर थ्री एक्स नाइन माइनस फोर एन टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू ऑल पावर फोर। देखिए यहाँ पे अभी एन की जगह फाइव टू लिया जाएगा टी फाइव प्लस वन कॉम्बिनेशन फ्रॉम नाइन टू फाइव थ्री एक्स नाइन माइनस फाइव और यह आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू होल पावर फाइव, तो क्या आ जाएगा टी फोर प्लस वन इज फाइव कॉम्बिनेशन फ्रॉम नाइन टू फोर, ये कैलकुलेटर पे करें कॉम्बिनेशन फ्रॉम नाइन टू फोर तो ये आ जाएगा 126 थ्री एक्स होल पावर फाइव और यह आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का अलग एक्सपोनेंट फोर डिवाइड बाय टू पावर फोर और यह करेगी टी फाइव प्लस वन इज सिक्स कॉम्बिनेशन फ्रॉम नाइन टू फाइव यह आ जाएगा 126 थ्री एक्स ऑल पावर फोर याद रखिए माइनस एक्स स्क्वायर ऑल पावर फाइव डिवाइड बाय टू पावर फाइव, तो क्या जाएगा टी फाइव इज इक्वल टू 126 थ्री का अलग एक्सपोनेंट ले सो थ्री पावर फाइव एक्स पावर
तो ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में और 2 4 तो आ जाएगा x पावर 8। यहाँ पे क्या आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 1/6 3 को 4 दफा मल्टीप्लाई करें इनटू x पावर 4 डिवाइड बाय 2 पावर 5 और ये हमारे पास 8 नंबर है तो ये माइनस आ जाएगा और 2 5 10 तो ये आ जाएगा t5 इज इक्वल टू 126 और 3 को 5 दफा मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 243 डिवाइड बाय 2 को 4 दफा मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 16 और ये बेस 7 है पावर स्क्वायर पे तो आ जाएगा 13। यहां पे देखें कि सेक्स 126 3 को 4 दफा मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 81 2 को 5 दफा मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 32 और यहां पे आ जाएगा बेस 7 तो आ जाएगा x पावर 14। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 126 मल्टीप्लाई बाय 243 तो इससे हमारे पास आ जाएगा 30618 डिवाइड बाय 16 x पावर 3 और आप ये आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा माइनस 126 मल्टीप्लाई बाय 81 इज इक्वल टू 10206 डिवाइड बाय 32 x पावर 14। तो देखिए यहाँ पे अभी 2 पे ये भी डिवाइड होता है 2 पे ये भी डिवाइड होता है तो ये डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 15309 डिवाइड बाय 8 x पावर तक से सॉरी आप ये 13 है तो ये आंसर आ जाएगा और ये दूसरा ये 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा t6 हमारे पास आ जाएगा माइनस 10206 डिवाइड बाय 2 तो इससे आ जाएगा 5103 डिवाइड बाय 16 x पावर सॉरी आप ये 14 है ये हमारे पास आ जाएगा 14। और देखिए हमारे पास आ रिक्वायर्ड मेडल टर्म लिख के साथ क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट पार्ट है 3x² माइनस इसको हम लिख सकते हैं इसी तरह 3x² प्लस माइनस y डिवाइड बाय 3 ऑल पावर 10। यहां पे हमारे पास है हियर a इज इक्वल टू 3x² a इज इक्वल टू 3x² b इज इक्वल टू माइनस y डिवाइड बाय 3 और n की जगह हमारे पास है 10 सेंस n इज इक्वल टू 10 जो कि हमारे पास आ गया इवन नंबर 100 नंबर ऑफ टर्म्स 100 नंबर ऑफ टर्म एंड दिस एक्सपेंशन विल बी 10 + 1 which is 11, ठीक है? और 11 हमारे पास odd number है, since 11 is odd number, so there is odd
मेडल तारा तो सिक्स टर्म विल बी द मिडल टर्म एंड दिस एक्सपेंशन नाउ जनरल टर्म हमारे पास है नाउ जनरल टर्म फॉर्मूला वो हमारे पास है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन फ्रॉम एन टू आर a power r and to b power r put values of a b c to the area to our pass a jayega of value a b or n ki combinations from n n is equal to 10 to r a ki jaga lekhi 3x square All power 10 minus r b b की जगह लिखते minus y divided by 3 all power r अभी आपने six term find करना है और ये हमारे पास है r plus 1 term so r की जगह लिखते 5 तो ये आ जाएगा t 5 plus 1 is equal to combinations from 10 to 5 3 x square 4 power 10 minus 5 या क्या आ जाएगा minus y divided by 3 r की जगह लिख के 5 अब इसी को सिंपलीफाई करें तो ये आ जाएगा 3 sets ये आ जाएगा combinations from 10 to 5 3 x square all power 5 या फिर minus y का अलग एक्सपोनेंट ले ले 3 5 और 3 का अलग एक्सपोनेंट ले ले तो हमारे पास आ जाएगा 5 अब ये कैलकुलेटर पे करें कॉम्बिनेशंस फ्रॉम 10 टू 5 तो ये आ जाएगा 252 3 का अलग ले तो 3 पावर 5 x square all power 5 ये हमारे पास odd number है तो ये आ जाएगा minus y power 5 divide 3 power 5 तो ये 3 power 5 और ये cancel हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा minus 252 x 25 10 y power 5 और ये हमारे पास 6 term आ गया जो कि हमारे पास है इज रिक्वायर्ड मिडल इज रिक्वायर्ड मिडल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ठीक है ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।